Trend TV. है खास हर अंदाज। समय और काल के अनुसार ये निर्णय लिया हमने आचार्य कि तुम महाराज जिस राज्य को आपने अपने संघर्ष से सींचा, जिसे आपने अपने साहस से संपूर्ण भारत का सिरमौर बनाया, जिस राष्ट्र को आपने अपनी न्याय प्रियता से तीनों लोक में वो स्थान दिलाया कि स्वयं देवता यहाँ पर आकर न्याय मांगते हैं, ऐसे राष्ट्र को आपकी उज्जैनी को भारमल जैसे योग्य व्यक्ति के हाथों में सौंपना क्या ये उचित होगा महाराज? हम आपकी पीड़ा समझते हैं वरामहेर जी, किंतु राज्य का उत्तराधिकारी बनने के अपने नियम और विधान होते हैं। राजवंश के नियमों के अनुसार एक राजा का पुत्र ही राजा बन सकता है, इसलिए भैया भतरी के पश्चात हारमल को उज्जैनी का राजा बनना चाहिए। किंतु महाराज, राजा होने का एक आधार योग्यता भी तो है। कालिदास जी, हम योग्यता के आधार पर किसी से उसका अधिकार नहीं छीनना चाहते। उज्जैनी सम्राट महाराज भारमल की जय। उज्जैनी सम्राट महाराज भारमल की जय। भारमल, क्या हो रहा है सब? आइए ना मां, देखिए ना मां, मैं आज इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। मां, जब कल मैं उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठूंगा ना, और पूरी प्रजा मेरी जय जयकार करेगी, मां मुझे तो भय है कि मैं कहीं अपने होश न खो बैठूं, इसीलिए अपनी जय जयकार सुनने की आदत डाल रहा था। मैं तो कहता हूँ कि आप भी आदत डाल लीजिए। सम्राट, आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब एक ही पल में हारमल और पिंगला जैसे संकट को सदा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। मां, मां इसी राजमुकुट को धारण करने के लिए हमने वर्षों से प्रतीक्षा की है, इतने षड्यंत्रों के पश्चात ये राजमुकुट हमें मिला है, और आप कह रहे हैं इसे धारण न करूं, किंतु क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो राजमुकुट तुम धारण करो वो तुम्हें उतारना पड़े। जिस राज सिंहासन पर तुम बैठो वो राज सिंहासन तुम्हें छोड़ना पड़े। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहती है? देखो पुत्र, हमारा विश्वास करो,